देखिए, कांग्रेसियों को पहले अपनी जो ऊपर की टीम है उसके दिल जोड़ने पड़ेंगे। राहुल जी कह के भी गए थे कि वे मोहब्बत की दुकान खोलो, लेकिन अभी कोई मीटिंग हुई तो उसमें वो हाजिर ही नहीं थे, क्योंकि सबको मालूम है कि दो अध्यक्षों को जानबूझकर विफल किया गया। जो अशोक तंवर थे वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे, नौजवान थे, उत्साही थे, उनको नहीं करने दिया गया, बल्कि लठियाया गया उनको। शैलजा जी को टीम तक नहीं बनाने दी गई। तो ये जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस में चली और उसके कारण से सुरजेवाला जी को जाके जयपुर से राजस्थान से चुनाव लड़ना पड़ा, कुलदीप जी तो वहाँ बाय करके भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए, विजय भस्मई अब हमारे युवा विधायक हैं। तो ये जो कांग्रेस में जो चला है ना अंदर, वो कांग्रेस को बहुत बाहर के कार्यक्रमों के नाम तो कुछ भी देते रहो, लेकिन कांग्रेस के घर में अंदर सब ठीक नहीं है और वो उधर से ही ख़राब किया गया है। इसलिए ऐसे अभियान और ऐसे नाम देने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कुछ लोगों को सनातन समझ आएगा। सनातन का मतलब है कि हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हुआ हमारे पूर्वजों को, उन्होंने उस ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ियों तक लगातार पहुंचाया। जब कागज़ नहीं थे, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हजारों वर्षों तक याद कर करके पहुंचाया कि जो ज्ञान हमको मिला है हम अपनी पीढ़ियों को पहुंचाएं। भारत की एक बहुत ही सुंदर विशेषता रही है कि भारत ने कभी भी किसी किताब को अंतिम नहीं कहा, किसी बात को अंतिम नहीं कहा। सनातन कहता है चरैवेति नेति नेति, कि जो ज्ञान हमने था वो दे दिया, अब अपने आत्मा के प्रकाश में आत्म दीपो भव आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दिक्कत उनकी है, कोई 2500 साल पुरानी किताब पर रुक गए कि इससे आगे ज्ञान नहीं है, पृथ्वी को चपटी बता के रुक गए, कोई 1500-1600 साल पहले रुक गए कि उस ज्ञान से बाहर नहीं जाना। भारत का ऋषि तो कहता है किसी भी रास्ते से आओ तो मेरे तक आते हो, किसी रास्ते की बंदिश नहीं लगाता और किसी पुस्तक पर कहीं भी किसी भी ज्ञान पर रोकता नहीं है। यही सनातन है, आत्म दीपो भव, अपने ज्ञान में आगे बढ़ो। और ऐसे महान ग्रंथ इस धरती पर हैं, दुनिया में सारी किताबें राज लेने की लड़ाई पर लिखी गई हैं। भारत में रामायण एक ऐसी पुस्तक है जो राज नहीं लेने की वैल्यूज पर लिखी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वैल्यू है। लंका जीतने के बाद भी राम उसके भाई को सौंप कर आते हैं और दोनों भाइयों में राज नहीं लेने की लड़ाई है। भरत कहता है कि मैं नहीं, राम कहता है मैं नहीं। वार ऑफ वैल्यूज है, मूल्यों का युद्ध है। तो ये बहुत ऊँची परंपरा है। इस बहस के कारण अगर आम जन तक जाती है तो वो चरैवेति नेति नेति और आत्म दीपो भव के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।